गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बर्डन लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है गाइस। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं BA BSc वालों के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो भी नोटिफिकेशन है सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए ही है, ये ध्यान दीजिएगा। इवन BA BSc ही नहीं बल्कि किसी भी ब्रांच के जो छात्र हैं, किसी भी फैकल्टी के जो फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो खासकर इस वीडियो में इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो अवध यूनिवर्सिटी ने जल्द ही जारी किया है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। खासकर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो लोग सोच रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्या वही रहेंगे या फिर अब नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 के हिसाब से बहुत सारे सिलेबस में पैटर्न चेंज हुए हैं, यानी सिलेबस पैटर्न में भी चेंजिंग हुआ है, जिसका वीडियो हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है। अब ये जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है गाइज, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड आई है, तो इसका इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कैसे होगी प्रश्नों की संख्या, अगर रिटर्न होंगे तो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, कैसे आपको रिटर्न करना होगा और कितने प्रश्न आएंगे पेपर में, कब होगा एग्ज़ाम, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देख लीजिए, फिर बाद में पछताना ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पर, ओके। तो आइए पहले पॉइंट पर नज़र डालते हैं क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, ये पूरा आप देख लीजिए, ऐसा ना लगेगा आपको कि ये फर्जी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर भी है, यानी समझ लीजिए कि पुख्ता सबूत के साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कोई फर्जी आपको ना लगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं, सिर्फ उसी पॉइंट की हम बात करें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इसके पहले जो हमने सिलेबस किस तरीके से बदला हुए हैं नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो जो हमने प्लॉट किया था उसे आपने देख लिया होगा। अगर वो देखे होंगे तो आप काफ़ी समझ रहे होंगे कि आपको कितने पेपर एग्जाम देने होंगे, किस तरीके से होंगे। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे पहले देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे यहाँ पर तीसरे पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहीं से इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आप समझिए। दिया है 3 मेजर्स विषय, आपको पता होगा यदि आप बीए या बीएससी के कोर्स में हैं तो आपको पता होगा कि आप कितने विषय पढ़ रहे होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, यानी अगर हम बीएससी की बात करें यहाँ पर, तो बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री बीएससी वालों को पढ़ना पड़ता है जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं। जो मैथ ग्रुप के छात्र हैं उनको फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। यदि आप आर्ट साइड के हैं तो आप भूगोल पढ़ते होंगे, हिंदी, संस्कृत, ये 3 विषय आप पढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब यही है, 3 मेजर विषय, 3 मेजर विषय के साथ साथ एक यानी इलेक्टिव विषय भी आपको उसकी भी एग्जाम देने होंगे, ये हमने पहले भी बता चुका है। यानी अब आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हर सेमेस्टर में एक जो है सिंगल इलेक्टिव विषय आपको चूज करना होगा। पहले ऐसे रूल नहीं थे, पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते थे यदि आप बायो ग्रुप के हैं तो, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है इस पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इलेक्टिव विषय हो गया यानी 4 सब्जेक्ट हो गए, साथ ही साथ अब ये ध्यान दीजिए, परीक्षा 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75% यानी 75% बाह्य मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा होगी। नहीं समझे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यानी जो एग्ज़ाम होंगे वो कितने अंक के होंगे, 100 नंबर के होंगे, क्लियर है। 2 ही पेपर होंगे जिसमें से एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर, और यानी प्रैक्टिकल वाले विषय अगर आपने लिए हैं तो, और 100 नंबर का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पेपर पैटर्न थ्योरी पेपर हो जाएगा जिसमें से, अब इस 100 नंबर को आप थ्योरी पेपर को लेकर के चलेंगे, ठीक, जिसमें से 75 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, जो मेन आपको एग्जाम देने होंगे, और 25 नंबर
चारों सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चारों सब्जेक्ट, ठीक। 25 नंबर जो होंगे वो इंटरनल एग्जाम होंगे, यानी इंटरनल एग्जाम भी होगा, मेन एग्जाम से पहले इंटरनल एग्जाम कराना होगा, हर महाविद्यालय को कराना होगा ये, ठीक। यानी 25 नंबर जो कॉलेज की तरफ से जो दिया जाएगा आपको इंटरनल, उसका आपको एग्जाम कराना होगा, यानी उनके एग्जाम होंगे, समझ रहे हैं बात को। आगे दूसरे पॉइंट में दे रहा है, 3 मेजर विषयों और एक इलेक्टिव विषय के सतत आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित 25 अंकों का जो विभाजन निम्नवत होगा, यानी जो 25 नंबर के इंटरनल एग्जाम होंगे कॉलेज के माध्यम से कराए जाएंगे, उसको किस तरीके से, जो 25 नंबर ऐसे ही आसानी से नहीं दे दिया जाएगा, ये बात आप समझिए। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि जैसे 25 नंबर इंटरनल होगा और कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा तो आसानी से ऐसे उठा करके दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपको भी कठिन परिश्रम करनी होगी। कैसे, किस तरीके से ये 25 नंबर आपको मिलेगा, उसका विवरण यहाँ दिया गया है इन सभी पॉइंट पे। तो आइए एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, इसलिए आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो लोग कॉलेज में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, डेली उनकी जो प्रेजेंटी है वो नहीं लग पा रही है, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल में हमारे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये 25 नंबर के जो इंटरनल एग्जाम होंगे किस तरीके से होंगे, उसमें से पहले 5 नंबर की हम बात करते हैं, 20, अभी 20 नंबर आप छोड़ दीजिए, पहले 5 नंबर आपको मिलने में बहुत परिश्रम करने होंगे। जैसे देखिए पहला पॉइंट, ये 5 नंबर किस तरीके से आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, छात्रों को 95% टू 100% उपस्थिति के सापेक्ष 5 अंक प्राप्त होंगे, यानी जो 5 अंक जो मिलेगा, यदि कोई छात्र इतने परसेंट उपस्थिति है कॉलेज में तो उसे 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यदि वो 100% या 95 के ऊपर परसेंट में उसकी उपस्थिति नहीं है, 85 से 94 के बीच में है, तो उसको 4 अंक ही दिए जाएंगे, 5 नंबर नहीं मिलने वाला, 4 ही अंक मिलेंगे। यदि 80 से 84% उपस्थिति है तो उसे 3 अंक सिर्फ प्राप्त होंगे। सोच लीजिए कितना कठिन है नंबर पाना, लोगों को आसान लगता था लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, यदि इतनी परसेंट उपस्थिति नहीं है तो इतने के बीच में होगी, यानी 75% उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, ये 75 से 79% उपस्थिति है तो उन्हें 2 अंक प्राप्त होंगे। अब इस ब्रेकेट वाले अंकों को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, पूर्णतः अनिवार्य होगी। तथा अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, 5वें नंबर पे, यदि ऐसा भी आपने नहीं किया है तो आपको ये नंबर बहुत, मतलब 2 नंबर भी नहीं मिलेगा, 3 नंबर भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, यानी सिर्फ 5 नंबर की अभी हम बात कर रहे हैं। छात्र को विश्वविद्यालय परिणय मावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो उसे मात्र 1 अंक प्राप्त दिया जाएगा, यानी इससे कम भी है अगर तो आपको सिर्फ 1 अंक प्राप्त होगा 5 नंबर में से, समझ गए। अब बचा 20 नंबर, उसकी हम बात करते हैं। अब ये 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनल नंबर पाने के लिए, बहुत चालाकी करते थे आप लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, अब बचे हुए 20 में से 5 नंबर की हम बात करते हैं तो टोटल हो जाएगा 10 नंबर, बचेगा 15, ठीक, ये समझिए। अब इसमें क्या होगा, ये 5 नंबर कैसे प्राप्त होंगे, आपको छात्र को प्रदान किए जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट प्रोजेक्ट, असाइनमेंट भी आपको बनाने होंगे, ये सब आपके शिक्षकों ने या टीचरों ने आपको बताया होगा, तो समझिए आपको असाइनमेंट बनाना होगा। कितने नंबर का होगा असाइनमेंट, 5 नंबर का होगा, यदि आपने कंप्लीट किया है। और किस तरीके से वो असाइनमेंट बनाना है इसको देखिए, प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या से संबंधित किसी शीर्षक पर 500 यानी 500 से 1500 शब्दों तक का हस्तलिखित अथवा प्रिंटिंग प्रारूप में एक असाइनमेंट जमा करना होगा, यानी जो असाइनमेंट आपका होगा वो 500 से कितने होने चाहिए, 1500 शब्दों तक होने चाहिए, यानी इसके बीच में ही होने, उससे कम नहीं होने चाहिए,
अगर ऐसे आपने असाइनमेंट बनाया है तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अगर ऐसा भी आपने नहीं कर किया तो दूसरा ऑप्शन आपके साथ ये भी हो सकता है कि जो प्राध्यापक हैं यानी टीचर हैं वो लोग पीपीटी बनाने के तरीके छात्रों को बता सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया है तो भी आपको 5 नंबर ये प्राप्त हो जाएगा। तो 25 नंबर इंटरनल में से 10 नंबर का हमने आपको बता दिया, बचे हुए 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे आइए उसके बारे में देखते हैं। बहुत प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चूँकि पढ़ना आपको है तो इसे बहुत ही आसानी से आप इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए इस वाले सेक्शन पे देखते हैं, संबंधित विषय में छात्र में मिड सेमेस्टर टेस्ट के सापेक्ष यानी जो इंटरनल एग्जाम होंगे 15 नंबर के इंटरनल एग्जाम कराए जाएंगे कॉलेज के माध्यम से, समझिएगा इसको। सेशनल टेस्ट के सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। अब बचे हुए 15 अंक आपको टेस्ट दे करके, लिखित टेस्ट दे करके ही प्राप्त होंगे, वो भी कॉलेज के माध्यम से, समझ रहे हैं। महाविद्यालय का जो एग्जाम होगा वो तो 75 नंबर का होगा, यानी जिसे इंटरनल बोलते हैं, नहीं सॉरी एक्सटर्नल बोलते हैं, अभी यहाँ इंटरनल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, विषयगत संदर्भ में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए पृथक पृथक रूप से 15 अंकों की मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय को आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न करानी होगी। इस टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा। अब देखिए, अब आपको प्रश्न पत्र कैसे तैयार करना है। 15 नंबर बोल दिया गया है कि कॉलेज कराएगा और उसका ब्यौरा यूनिवर्सिटी लेगी, तब एग्जाम रिजल्ट घोषित होंगे। समझ लीजिए, ये 15 नंबर के महाविद्यालय को एग्जाम किस तरीके से कराना होगा, उसके लिए ये निम्न पॉइंट आपको जानना जरूरी है। पहला, प्रश्नों की संख्या किस तरीके से आप बनाएंगे, ये देखिए। प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर 1 घंटे के समय अवधि में देने होंगे, यानी ऐसे 5 प्रश्न आप बनाएंगे जो 1 घंटे तक में उन लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी छात्रों के। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक निर्धारित होने तक प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 10 से 20 शब्दों में दे सके, समझ रहे हैं। कुल 5 प्रश्न जो दिए जाएंगे उसमें से बात हो रही है, यानी एक ही घंटे में एग्जाम होंगे और उसमें ऐसे प्रश्न बनेंगे जो कि 2 अंक प्राप्त होंगे, जिनको मतलब ऐसे सब प्रश्न बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ दो दो अंक के होंगे और उन्हें 10 से 20 शब्दों में लिखने होंगे, समझ लीजिए। फिर दूसरा दूसरा पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए दूसरे तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगे। नहीं समझे होंगे, चलिए फिर समझाता हूँ। 5 ही प्रश्न होंगे जिसमें से पहला प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 2 नंबर का होगा, समझ गए। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, दूसरे तीसरा प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, 3-3 नंबर इसमें दिए जाएंगे। दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न में 3-3 नंबर आपको प्राप्त होंगे, ठीक। उन्हें कितने वर्ड में लिखना होगा, 40 से 50 शब्द लिखने होंगे, ठीक, ये समझिए। फिर उसके बाद लास्ट जो प्रश्न होगा 5वां प्रश्न, 5 ही प्रश्न टोटल होंगे, 4 अंक निर्धारित होंगे, इसमें 4 अंक मिलेंगे जिसे 70 से 90 शब्दों में लिखने होंगे। तो ये है ब्यौरा इंटरनल एग्जाम का जो कॉलेज के माध्यम से कराने होंगे। हर महाविद्यालय को ये प्रोसेस, ये फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब समझिए आगे, इतना समझ गए होंगे इंटरनल के बारे में, आगे ही और भी इम्पोर्टेंट हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, अब जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे छात्रों के लिए, उसको आइए देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 देखना है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट 3 ये और 1 ये सभी कितने नंबर के होंगे, 75 नंबर के होंगे एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। आइए अब इसमें करना क्या है, इस पहले पॉइंट के देखिए, यह इलेक्टिव विषय के बाय मूल्यांकन से संबंधित 75 अंकों की जो परीक्षा होगी वो इस तरीके से होगी, इंटरनल की हमने बता दिया, एक्सटर्नल देखिए। यह परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार, अब ये परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगी, इसके पहले की जो परीक्षा है वो महाविद्यालय कराएगा, समझ रहे हैं बात को।
विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुद्रित प्रश्न पत्र के माध्यम से संपन्न करानी होगी। अब इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार से बांटा गया है। कैसे प्रश्न पत्र के प्रारूप बांटे गए हैं वो इन पॉइंटों को आपको देखना होगा। पहला पॉइंट, पहला समझिए, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगे। हर एक प्रश्न पत्र यानी कितने प्रश्न पत्र, 4 प्रश्न पत्र, 4 प्रश्न पत्र में हर एक प्रश्न पत्र में जो होंगे वो 75 नंबर के ही होंगे टोटल। समझ गए बात को। आइए दूसरा, जरा सभी, यदि जरा सभी आपको यह वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन छात्रों के पास भेजिए जो अभी भी इससे वंचित हैं, जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कॉलेज आ ही नहीं रहे हैं, तो उनके पास भी इसको जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। कोशिश कीजिए 24 घंटे के लिए आप अपने स्टेटस पे इसको लगा दीजिए, इसके लिंक को 24 घंटे के लिए आप स्टेटस लगाइए, सबकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है गाइज, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 3 घंटे की होगी, यानी जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे तक होगा। समझ गए दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्रित होगा। समझे यानी नहीं समझे, जो प्रश्न पत्र होगा, पेपर जो होगा आपका, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ होगा। समझ गए, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में दोनों भाषाओं में लिखना है, ये ऐसा कुछ नहीं, पेपर सिर्फ दोनों विषय में, दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटों क्रमशः, 3 घंटे का जो क्रमशः होगा, सॉरी 3 खंडों का क्रमशः आ यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंड होंगे। जैसे कि बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है, खासकर बीएससी की हम बात करेंगे तो बीएससी में 75 नंबर के जो प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम उनके होते हैं, उसी तरीके से कुछ रखा गया यहाँ पर। तो बदलाव क्या है, देखिए सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, समझिए। और 10 प्रश्न कितने होंगे, बहुत 2 अंक के होंगे, हर एक प्रश्न में 2 अंक प्राप्त होगा, यानी टोटल 20 नंबर, प्रश्न 10 नंबर 20, समझ लीजिए, पेरी शॉर्ट वाले, जो कि 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। अब सेक्शन बी में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। समझे, सेक्शन बी में 8 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न ही कॉपी में अपने लिखने होंगे, समझिए, और उसके बाद उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक, यानी एक प्रश्न 7 नंबर का होगा, तो ये 20 नंबर तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, 10 दूना 20 नंबर यहीं कंप्लीट हो गया। और हर एक प्रश्न बी सेक्शन बी में 7 नंबर का होगा, तो कितना हो गया, 7 × 5 = 35, ये 35 नंबर आपको यहाँ से प्लस 20 नंबर यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 55 नंबर हो गए, समझिएगा इसको, 75 नंबर का आपका होगा। आगे नेक्स्ट हो जाएगा इसी में, सेक्शन सी में 4 प्रश्न मुद्रित होंगे, टोटल 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, हर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, और प्रश्नों को जो लिखने का तरीका है वो आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। अच्छा, सेक्शन बी में जो प्रश्न है 7 नंबर के अंक होंगे, उसमें हर एक प्रश्न में आपको 200 वर्डों में लिखना होगा, समझ गए, और जो ये 10 नंबर के होंगे 2 क्वेश्चन, वो आपको 500 शब्दों में लिखने होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा। आगे है, परीक्षा से संबंधित सादी उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा पूर्व, परीक्षा से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी। परीक्षा संपादन की प्रक्रिया के लिए शासनादेश यानी विश्वविद्यालय नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित परिश्रमिक प्रदान किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। जैसे पहले था वैसा ही कॉपी कॉलेज में उपलब्ध करा दी जाएगी एग्जाम के लिए। ओके, परीक्षा से संबंधित मूल्यांकन कार्य केंद्रीकृत मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कराया जाएगा। तो ये है परीक्षा का ब्यौरा किस तरीके से होगा। आगे के जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल से संबंधित है, तो प्रैक्टिकल से संबंधित क्या सूचनाएं हैं उसको भी आप देख लीजिए। आइए, प्रायोगिक परीक्षा
मात्र मेजर विषय से संबंधित होगी। जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी इलेक्टिव विषय से नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ जो मेजर विषय होंगे जैसे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, सिर्फ इसी से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल होंगे। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है इसलिए इसमें होंगे, ठीक है, संपन्न कराया होगा। इलेक्टिव विषय से प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान नहीं होगा। संबंधित मेजर विषय में प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित व्यवस्था निम्नानुक्रम होगा। देखिए, अनुमान्य प्रायोगिक विषयों के में प्रायोगिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इसको तो हमने पहले भी बता दिया है, इसके पहले ही जो एग्जाम सिलेबस पैटर्न बताया था वहाँ पर हमने इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी 100 नंबर के प्रैक्टिकल पेपर होगा आपका, जिसमें से 25 इंटरनल और 75 नंबर एक्सटर्नल इसमें भी होगा, जैसे थ्योरी पेपर में है।